हम अनबॉक्सिंग करने जा रहे हैं कार्सा के हॉर्न्स की, तो सबसे पहले हम इसका बॉक्स देख लेते हैं। बॉक्स के ऊपर हमें मिल जाती है बेसिक कार्सा की ब्रांडिंग, उसके साथ साथ की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक हॉर्न है, बेसिक इन्फॉर्मेशन और साथ इसका डिज़ाइन पैटर्न। साथ साथ दूसरी साइड पे अगर हम लोग देखते हैं तो यहाँ पे हमें किन किन कंट्रीज़ में ये अवेलेबल है ये इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। बॉटम जो होता है बॉक्स का, वहाँ पर हमें मिल जाता है कि बेसिक इसके अंदर क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होंगी, इसकी मेटल स्ट्रिप्स वगैरह, उसके साथ साथ इसका डिज़ाइन, सर्कुलर डिज़ाइन और इसके पॉजिटिव नेगेटिव कनेक्शंस वगैरह, और उसके साथ साथ इसकी मेन कनेक्टिविटी। दूसरी साइड पर भी हमें सेम बेसिक इन्फॉर्मेशन मिल जाती है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक हॉर्न है। और जब हम लोग इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं तो अनबॉक्सिंग के अंदर हमें मिलते हैं टू पीसेस। तो यहाँ पर जो इसका मेन डिज़ाइन है वो हमें देखने को मिलता है, इसके साथ साथ जो इसकी बिल्ड क्वालिटी होती है वो काफ़ी अच्छी होती है। ये पॉलीकार्बोनेट हार्ड प्लास्टिक का बना होता है और ये काफ़ी लॉन्ग लास्टिंग होता है। इसकी साउंड क्वालिटी की बात करते हैं तो इसकी जो साउंड होती है वो काफ़ी मैच करती है जो हमारे पास V8 गाड़ियाँ होती हैं उसके अंदर जो हॉर्न होता है, तो सेम बेसिक इसकी वैसी ही साउंड होती है। और जो इसके ऊपर स्टिकर लगा हुआ शो करते हैं कि ये ओरिजिनल पीस है कार्सा के हॉर्न्स का। उसके साथ साथ बैक पे जो इसका बॉटम होता है मेन पीसेस का, तो वहाँ पर हमें मिल जाते हैं इसके दो कनेक्शंस, और साथ साथ इसके एक पीस की जो साउंड होती है वो काफ़ी लाउडर होती है, और अगर हम दो को साथ मिला के यूज़ करेंगे तो वो इससे काफ़ी ज़्यादा अच्छी साउंड प्रोवाइड करेगा। इसके साथ साथ हमें मिल जाते हैं इसके मेटल स्ट्रिप्स और कुछ नट्स वगैरह इसके कनेक्शंस के लिए। अब हम चेक करते हैं इसकी वॉइस।